Hello beautiful people, what's up? Welcome to the ethics class, guys. As you know that this is for regulars, beginners both, but the major focus will be on beginners because here we tell how to read the question, how to analyze the question, how to read between the lines and how to answer the question so that you can get minimum average or above average mark. So guys, चलिए पहले मैं scroll कर देता हूँ एक बार और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जितना हो सकता है, इसको यू नो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे जिन दोस्तों को नहीं मिल पा रहा है ऐसे फ्री लेक्चर्स वो एटलीस्ट यू नो एथिक्स के लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाए. ठीक है, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. हो गया या तो गाइस मैं फिर से जिस देता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ने नहीं वाला हूँ. ठीक है, प्रति के हाँ ये केस स्टडी है पहली बात तो. हाँ और राइट, प्रतीक एक आईएएस ऑफिसर है ना, उसको एक नक्सल एरिया में एज अ डीएम के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया गया है. उसने अपने प्रीवियस पोस्टिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है ना, और उसको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है. एंड ही इज़ द यंगेस्ट ऑफिसर टू गेट दिस पीएम एक्सीलेंस अवार्ड. ठीक है, वो हाई कास्ट से बिलोंग करता था, और उसकी उसने जिससे शादी किया है उसका बाप पॉलिटिकल लीडर है, एंड वो 2 साल की एक बच्ची का बाप भी बना हुआ है प्रतीक. ये प्रतीक के बारे में दिया हुआ है. उसने जो जिस नक्सल एरिया में उसका एज ए डीएम अपॉइंटमेंट होने वाला है, उसमें एक नया कमांडर अपॉइंट हुआ है जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में, और उसने काफ़ी वायलेंस फैला है स्टेट के खिलाफ. ठीक है, अब इंटेलिजेंस एजेंसी काफ़ी सतर्क है और कम्युनिकेट कर रही है सब डिपार्टमेंट्स के पब्लिक ऑफिसर्स के साथ. कुछ भी मतलब उस नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी जो भी वो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन की कर रही है उसका बहुत पल पल का खबर रखा जा रहा है, ये लिखा हुआ है. अब देखिए कॉन्टेक्स्ट यहाँ से चेंज हो रहा है. प्रतीक ने सोचा दैट डेवलपमेंट और डायलॉग ही ऐसा एक चीज़ है जो कि नक्सल प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है, और उसने प्रतीक ने ये ऐसा हिंट भी दिया एक मीडिया ब्रीफिंग में, जो मैं डेवलपमेंट और डायलॉग के साथ नक्सल इशू को सॉल्व करूँगा. ठीक है, उसके प्रोएक्टिव नेचर को देख कर क्या हुआ ना, उसने मतलब ट्राइब्स के मतलब उस रीजन के जितने ट्राइब्स ट्राइबल पीपल थे उससे वो खुद जाकर पर्सनली मिला. ठीक है, प्रॉब्लम्स इन पर्सन, और उनके प्रॉब्लम्स को एज अ मतलब इन पर्सन मतलब पर्सनली जाके उसके उनके प्रॉब्लम्स को सुना है ना. एंड ही वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट टू मीट द पीपल. ठीक है, विथ इनफ प्रिकॉशन, क्योंकि वो पर्सनली मीट करने गया तो वो फॉरेस्ट के अंदर घुसा, जिस फॉरेस्ट में वो जो नक्सल एरिया का वो फॉरेस्ट रीजन है, और वो उन विलेजर्स से डायरेक्ट बात किया. सिंपल सा बात है. ठीक है, वो उसके एक एक मूवमेंट जो प्रतीक के मूवमेंट को वॉज क्लोजली वॉच्ड बाय नक्सल एलिमेंट्स है ना, जितने नक्सली एलिमेंट्स है सब कुछ एकदम अच्छे से वॉच कर रहे थे वो डीएम बंदा नया जो डीएम है वो क्या कर क्या रहा है. ठीक है, और उस और नक्सल मतलब नक्सल वालों ने वो भी सुना हुआ था दैट उसने मीडिया ब्रीफिंग किया है जिससे वो नया जो डीएम आया वो चाहता है दैट बातचीत से इस चीज़ को सॉल्व कर ले. ठीक है, मतलब ये भी बोलना चाहता है इस लाइन के भीतर में ये छिपा हुआ है. ठीक है, अब क्या हुआ ना, उसके उस डीएम के एक ऑफिशियल ट्रिप में क्या हुआ, कुछ नक्सल्स ने बहुत हार्ड आर्म्ड लेकर नक्सल्स ने जितने सारे सिक्योरिटी पर्सनल उसके साथ जा रहे थे उस डीएम के साथ सबको मार दिया. ठीक है, सबको एग्जीक्यूटिव सबको मार दिया और डीएम को हॉस्टेज बना दिया. ठीक है, देखो सिचुएशन समझने की कोशिश करो, डीएम सबको मार दिया और डीएम को हॉस्टेज बना दिया. दिस में आगे इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया, एकदम पूरा ह्यू एंड क्राई फैल रहा है एकदम यार, ऐसे इसको हॉस्टेज बना दिया गया है ना, और सबको ही गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं जो प्रतीक को वापस लाओ, जो भी हो सके प्रतीक को वापस आना चाहिए, इतना अच्छा आईएएस ऑफिसर है वो. अब क्या हुआ, नक्सल लोगों ने डीएम को तो हॉस्टेज बना दिया, और उन्होंने कुछ कुछ सरकार के सामने डिमांड रखा दैट अगर आप वो मेरे डिमांड नहीं फुलफिल करते हो तो हम डीएम का गला रेंग देंगे. ठीक है, और वो डिमांड्स क्या क्या थे, वो डिमांड्स थे दैट रिलीज ऑल द इम्प्रिजन नक्सल लीडर्स, जितने नक्सल लीडर्स है उसको निकालने बोल रहा था. ठीक है, अच्छा उस जो कैंप था उसमें प्रतीक को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी लिखा हुआ है. एंड हाँ, नक्सल से डिमांड कर ही रहे हैं दैट नक्सल के इसको लाइक नक्सल लीडर को छोड़ दो और जितने सारे पैरामिलिट्री फोर्स है उस जंगल में के आजू बाजू सबको हटा दो.
ठीक है, पर गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, पर गवर्नमेंट ने ऐसा विलिंगनेस जाहिर किया है, ठीक है हम डायलॉग से आपसे बात बात करके कुछ निगोशिएशन में आते हैं, ठीक है ऐसा सरकार ने बोला है। ठीक है, और ऐसा तो नक्सल ने सुनती आ रही है, तो नक्सल ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये हम सुनते आ रहे हैं आपका बात, आप कुछ नहीं होगा, आप बोलो अगर करोगे, नहीं तो डीएम को सीधा गला रेत देंगे और आपको उसका गर्दन काट के आपका ऑफिस में भेज देंगे, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, अब आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जहां पर कमांडर ने आईएएस के पास एक चॉइस रखा बिटवीन डेथ एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ हिज जॉब। माने नक्सल कमांडर ने बोला बेटा तुम या तो मर जाओ, या तो हम तुम्हारे गला काट दे रहे हैं, या फिर तुम अपने आईएएस ऑफिसर जो है उसके रैंक से रिजाइन कर दो, क्योंकि वो लोग भी जानता था ना यार, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट और बातचीत लाइक डायलॉग्स के बात करता है, और ये लोग और वो लोग जानता था दैट सचमुच का ये डीएम अच्छा इंसान है, तो उसने भी एक ऑफर रखा दैट या तो तुम मर जाओ या फिर आईएएस का जॉब छोड़ दो तुम। ठीक है, प्रतीक हैड सेंड हिज रेजिग्नेशन, प्रतीक को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजना था। ठीक है, एंड विद द कैवियट दैट द गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट, और एक कैवियट रखा गया था दैट अगर गवर्नमेंट ने उसका उन लोगों का बात को इमिडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया देन देन ही वुड बी एक्सिक्यूटेड, है ना, और अगर एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने उसका बात तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देर वॉज वन डे लेफ्ट, एक दिन का टाइम उस बंदे के पास है, प्रतीक के पास है ना, टू डिसीजन, वो क्या डिसीजन लेना चाहता है। ठीक है, इस डिसीजन को लेने के लिए उसको एक दिन के टाइम है। अब देखिए क्वेश्चन मेन क्या है, क्वेश्चन पूछता है इफ यू वर टू बी प्रतीक्स पोजीशन, अगर आप प्रतीक के पोजीशन में हो व्हाट वुड हैव बीन योर डिसीजन। ठीक है, आप प्रतीक होते तो आप क्या करते, सिंपली आप एज अ प्रतीक आपको आंसर देना है मतलब। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हाँ एज इफ आई वुड बी इन हिज पोजिशन देन आई वुड हैव डन दिस, देन आई वुड हैव डन दिस। ठीक है, वैसे करके आंसर देना है आपको। वुड यू गिव लाइफ फॉर द कंट्री, क्या आप कंट्री के लिए लाइफ दे दोगे, और वुड यू रिजाइन एंड वॉक फ्री। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन आपको भले ही अलग लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछा हुआ है, ये दोनों सेम है, क्या आप अपना जान दे दोगे, क्योंकि देखिए नक्सल लोगों ने कंडीशन रखा ना, या तो मर जाओ तुम है ना, या फिर रिजाइन कर दो, तो वही क्वेश्चन पूछा है दैट वुड यू गिव योर लाइफ फॉर द कंट्री और यू विल रिजाइन एंड वॉक फ्री, जस्टिफाई योर आंसर ऑन द एथिकल बेसिस। आपको सिर्फ अपने आंसर को ये डायरेक्टिव है जस्टिफाई करना है, मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे अगर आप मर अपने को मरने का मन है तो भी आप बोल दो हाँ मैं इस रीजन से मरना चाहता हूँ, बट वो चीज़ लिखना मत गलती से भी, और आपको अगर जिंदा रहने का मन है तो आप बोल दो हाँ मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, बट ऐसे ऐसे कंडीशंस है क्योंकि ये कंडीशन फेवर कर रहा है रिजाइन में, तो इसलिए मेरा रिजाइन करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो वो आपको जस्टिफाई करना है, सिंपल सा बात है, मतलब देखो क्वेश्चन से टीचर भी इनविजिलेंट मतलब यूपीएससी भी चाहता है दैट बंदे को वही लिखे दैट मुझे रिजाइन नहीं करना है, बट आपका जस्टिफिकेशन चाहता है, मतलब क्वेश्चन का डिमांड आपको सोचना पड़ेगा क्या डिमांड चाह रहा है, तो क्वेश्चन में सिंपल सा ये कोई भी पढ़ के वही लिखेगा दैट कुछ कुछ भी रीज़न दे देगा हाँ मैं रिज़ाइन कर दूंगा, बट किस लिए रिज़ाइन करना चाहते हो है ना, वो जस्टिफिकेशन यूपीएससी को चाहिए, और यही जस्टिफिकेशन में गेम है दोस्तों, यही जस्टिफिकेशन गेम है, अगर ये अच्छे तरीके से लिख लिया आपने देन आपको अच्छे नंबर मिल गया, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो उस कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक बार फिर से रिवाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जाके आईएएस ऑफिसर है, ये एक नक्सल एरिया है ना, यहाँ पे नक्सल ही है बहुत, और यहाँ पे विलेज है। ठीक है, ये नक्सली वाला कैंप है, वी विलेज। ठीक है, ये जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, यहाँ पे ट्राइब्स और यहाँ पे नक्सली लोग। अब देखिए ये सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट, ये खुद गया अपने से पर्सनल इन बात किया। ठीक है, एक बार क्या हुआ ना, एक जब ये वापस लौट रहा था तो इसके सारे जो कमांडर इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स है सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया, सबको मार दिया गया, सिर्फ यही बंदा बच गया, अभी सिर्फ ये बंदा बचा है, और इसको हॉस्टेज में ले लिया गया नक्सली लोगों ने, इन नक्सली लोगों ने इसको काबू कर लिया, और सरकार के पास डिमांड रखा है दैट ये सारे गवर्नमेंट को छोड़ दो और सारे जितने पैरामिलिट्री फोर्स को लगा के रखे अपने चमचों को इधर, सबको हटा दो। ठीक है, ये दो डिमांड नक्सली वालों ने रखा है। अब आपको एज अ प्रतीक बोलना है दैट आप क्या करोगे,
आपको मर जाना पसंद है या फिर आपने रिजाइन कर दोगे, ठीक है, उसको आप कैसे प्रोसीड करते हो, तो चलिए वही देखते हैं। तो दोस्तों आंसर जो हमें लिखना है उसमें आप पहले, मैंने क्या बोला था, कोई भी आंसर को आप लिखिएगा उसका एक पहले कोई भी केस स्टडी का पहले एक जिस्ट दे दीजिए, क्या केस स्टडी में आपको डायलेमा दिया हुआ है और आप उस केस स्टडी को कैसे प्रोसीड कीजिएगा, वो आप बोल दीजिए। मतलब आपको एग्जामिनर को समझ जाना, एग्जामिनर इसी यही चीज़ जो इंट्रोडक्शन लिख कर एग्जामिनेशन पढ़ कर समझ जाना चाहिए, हाँ आपका प्रोसीडिंग कैसा रहेगा आंसर में, ठीक है। तो उसी को कैसे फ्रेम करके लिखेंगे, दैट आपको क्या डायलेमा फेस कर रहे हो, पहले तो ये लिखो। देखिए डायलेमा इज फेस फॉर द डाई ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ और सीधा आप क्वेश्चन में लिख भी सकते हो क्योंकि ये फैक्ट है ना, इससे ज़्यादा आप बढ़ा चला के नहीं लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक दुक्का एथिकल वर्ड्स घुसा दिए वो अलग बात है, बट ओवरऑल द डायलेमा वॉट यू विल फेस इज आइदर डाई फॉर द नेशन और रिलिंक्विश योर IAS जॉब, ठीक है, टू सेव योर लाइफ वट एवर। तो आपने एक डायलेमा प्रेजेंट रख दिया, अब आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, है ना, वो आपको मतलब एक छोटे इंट्रोडक्शन में लिखना है। आप उस समय करोगे क्या, पहले तो नॉर्मल सोचो, है ना, वो देखिए एकदम टफ सिचुएशन रहेगा, सिर्फ आपको एक दिन का टाइम मिला हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, एक दिन का टाइम में आपको बिल्कुल पहली बार तो डरना नहीं है क्योंकि डर गया तो दिमाग नहीं काम करेगा, सिंपल सा बात है, और लिख भी दोगे ये सब कुछ लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ ना डरना नहीं है क्योंकि दिमाग नहीं काम करेगा, वो भी चाहो सीधा लिख सकते हो क्योंकि दैट इज़ फैक्ट, दैट इज़ व्हाट द फैक्ट इन बॉडी यू कैन राइट इट, बिकॉज अगर जितना फैक्ट लिखोगे उतना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक आप बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आपको, और को जो भी डिसीजन लेना है बिल्कुल करेजियसली लेना है, है ना, सो दैट एंड इमोशनली इंटेलिजेंटली लेना है, इमोशनली इंटेलिजेंट ये तो कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो कीवर्ड भी सब कुछ घुसा देना है, ठीक है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका जो लाइफ है ना बहुत प्रीशियस है उस टाइम में, क्योंकि यू आर एन IAS ऑफिसर एंड आपका लाइफ बहुत प्रीशियस है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा है, वाइल देखिए करेज और फेयरलेस तो उसको रहना ही है, ठीक है, एंड वन शुड बी अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, मतलब आपने दिखा दिया दैट मैं मरना नहीं चाहता भैया, मेरा लाइफ का वैल्यू है, ऐसे थोड़ा ना, ठीक है पैरामिलिट्री फोर्सेज को उन्होंने मार दिया गया है ना, पर मैं तो नहीं चाहता था ना जो पैरामिलिट्री फोर्स को मारे, ये आपको लिखना नहीं है डिस्क्राइबली बट क्योंकि वो अलग गंदा इंप्रेशन डाल देता है, बट एनीवेज यू हैव टू राइट दैट व्हाइल करेजियसली एंड फेयरलेसली शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड, वन शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, एंड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बट फॉर द सोसाइटी एंड नेशन एट लार्ज। आपने सब कुछ लिख दिया दैट हाँ भैया ठीक है मैं फेयरलेस और करेजियसली काम लूँगा बिकॉज मैं अपने जो क्वेश्चन में पूछा गया दैट आप रिजाइन करोगे कि आप मतलब मर जाओगे, तो मैं मरना नहीं चाहता यार, लाइफ के मेरी वैल्यू है ना, सिर्फ मेरे लिए मेरे और मेरे फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए, अब जिस दे दिया है ना, मतलब इससे एग्जामिनर क्या होगा ना, एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ ये बंदा जानता है दैट ये मरना नहीं चाहता और ये जो कोई भी डिसीजन लेगा है ना वो बहुत ही रैशनल डिसीजन होगा और एक मिड पथ वाला डिसीजन होगा, है ना, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस टाइप का डिसीजन लेने की कोशिश करेगा बंदा, ये समझ गया है ना, तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट में है दैट ही विल, देखिए बोला ना जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ही विल परस्यू अ विन-विन सिचुएशन फॉर द नेशन एंड माइसेल्फ बाय रिजाइनिंग एंड सेटिंग माइसेल्फ फ्री, है ना, व्हाट आई वुड डू इज आई विल टेक अ विन-विन सिचुएशन, है ना, जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये आपने अच्छा जिस दे दिया दैट हाँ सर मैं ऐसे प्रोसीड करने वाला हूँ, अब टीचर समझ गया चलो भाई इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये बंदा करने क्या वाला है, तो कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों। ये लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कोर्स ऑफ एक्शन देखने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या था, वुड यू गिव योर लाइफ फॉर द कंट्री, वुड यू रिजाइन एंड वर्क फ्री, मतलब मैंने इसको बोला था ना एक ही क्वेश्चन है और उसको आपको जस्टिफाई सिर्फ करना है बस, आपको ज्यादा स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं करना है, देखिए स्टेक्स मतलब कुछ कुछ स्टेक्स है उसको लाके आपको आंसर में आप लिख सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है जो फैमिली को लगकर एनालिसिस इस क्वेश्चन में
अपनी बीवी और बच्चों को लेकर, क्योंकि अपनी मेरी बीवी पॉलिटिशियन की बेटी है तो मेरा बीवी पॉलिटिशियन उसको लेकर एक एनालिसिस करने लग गए। नहीं, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, जीरो नंबर मिल जाएगा, मैं आपको जीरो नंबर गारंटी दे रहा हूँ मिलेगा। वैसे एनालिसिस नहीं करना है, सब में स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं लगता है, ठीक है। स्टेक होल्डर बीवी के और बच्चों के बात को यहाँ पे लिखना है बट एक्सप्लिसिटली नहीं निकला है ना, एक छोटा सा जस्ट गुजार दो, हाँ चलो भाई उनके दे उनको भी यू नो देखना पड़ेगा, है ना। तो वो तो आपने लिख ही दिया इंट्रोडक्शन में जैसे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, सब में स्टेक होल्डर मैं बोलता हूँ स्टेक होल्डर, बट सब में भी स्टेक होल्डर नहीं रहता है, वो क्वेश्चन डिमांड करता है जिस टाइप का उसी टाइप का हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप अपना लाइफ दे दोगे मतलब फॉर द कंट्री और वॉक जस्ट फ्री, ठीक है। तो उसी को कैसे कोर्स ऑफ एक्शन में इसने ढाला है वो देखिए। सिंपली आप क्या कीजिएगा, आप अपना जॉब को छोड़, आप तब रिजाइन करना ही ज़्यादा फायदेमंद सोचिएगा। क्यों? देखिए रिजाइन अगर आप कर दिया तो उसने बोला था ना नक्सली ने दैट रिजाइन करोगे तो तुमको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए रिजाइन करिएगा तो वो छोड़ देगा और आपको यू नो गवर्नमेंट को नक्सली को घुमाना भी नहीं पड़ जाएगा फिर, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटाने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वो भी अच्छा, आपका लाइफ भी बच गया, ठीक है। आप एक देखिए आपका लाइफ है वो भी बच गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी नहीं हटाना पड़ा एंड वो नक्सल लीडर्स को भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये सबसे बेस्ट है। देखिए आप मर गया जाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना, आपके बाद को जो डीएम को फिर को उसके साथ ऐसे ही करेगा। तो अगर आप अभी अगर सेट फ्री कर दिए और आप अगर अगर अभी आप रिजाइन कर दिए तो सबसे अच्छा वो दिमाग है, उससे अच्छा कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। तो आपने वही चीज कैसे लिखना है, देखिए सिंपली लिख दिया आई वुड हैव रिलिंक्विश्ड माय जॉब बिकॉज देखिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है दोस्तों। अब ये नेशनल इंटरेस्ट को कैसे कर रहा है, वही चीज लिखा है दैट नक्सल लीडर्स को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस को भी नहीं हटाना पड़ेगा, है ना। वही सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, वही चीज हुआ, ठीक है। अच्छे से इसने लिख दिया। अब आप ये भी लिख दीजिए, एक तो मतलब मैं करूंगा उससे क्या फायदा होगा, है ना, और अगर मैं सोचो रिजाइन मर जाता तो क्या होता, वो भी अगर आप यू नो एक बैकग्राउंड पिक्चर दे दीजिएगा ना, तो मतलब आपने प्रोज भी देख लिया कॉन्स भी दोनों आप यू नो पुट कर दे रहे हो, प्रोज भी कॉन्स भी, और आप बोलना चाहते हो देखो टीचर मेरे को सब कुछ पता है, अगर मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मैं सोच समझ के लूँगा, इसलिए मैं अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकूँगा, इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दो जिससे कि मैं आईएएस में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, है ना। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, आप कैसे बताओगे वही देखिए। देखिए इनफैक्ट द एग्जीक्यूशन मतलब अगर मर जाते तो क्या होता, वही लिखा हुआ है दैट वो और भी ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट में क्रिएट करता, क्योंकि बोला ना इंटरनेशनल मीडिया जान गई है, पूरा नेशनल इंटरनेट और बहुत प्रेशर पड़ रहा है प्रतीक को छुड़ाने में, ठीक है। तो और भी उल्टा और भी प्रेशर बढ़ जाता मीडिया एंड अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ठीक है, जिससे सरकार को कुछ अपना पॉलिसी टुवर्ड्स नक्सल को चेंज करना पड़ता है ना। अभी तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना यार, हम रिजाइन कर दिए तो बस खत्म, मैं भी छूट जाऊंगा वो लोग भी बच जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड इसलिए आप लिख सकते हैं दैट आई वुड प्रीफर टू बी अ कावर्ड इंस्टेड ऑफ पुटिंग द गवर्नमेंट इन क्राइसिस, है ना, ठीक है। मेरे को डरपोक बोले वो मुझे मंजूर है पर मुझे गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने देना है। ये देखिए ये है तड़का, ये पॉइंट है तड़का, ये पॉइंट अगर आपने लिख लिया ना दोस्तों, इस पॉइंट का मुझे लगता है पर्सनली ये पॉइंट दो नंबर तो कैरी करेगा, ऐसा अगर दमदार पॉइंट आपने लिखा, आप सोच सकते हो ये तो मैं जब मैंने लिखा था वही तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वाह यार क्या लिखा है, मतलब ये क्या वेटेज है इसका। देखिए आई वुड प्रीफर टू बी कॉल्ड एज कावर्ड इंस्टेड ऑफ पुटिंग द गवर्नमेंट इन क्राइसिस, सरकार को मैं क्राइसिस में नहीं पड़ने दूंगा जो हो जाए, है ना, क्योंकि मैंने प्रण लिया है दैट I will uphold the constitution of India being an IAS officer, ठीक है। तो ये यार दम, ये दिखाता दम, जान में दम, आंसर में आपका दम दिखाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए वो तो अब तो मेन तो एपिसोड पूरा कवर हमने कर दिया है ना, अब आप थोड़ा जैसे मैंने बोला स्टेक्स होल्डर्स को हल्का फुल्का उस उनको लेकर भी यू नो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वाइफ एंड टू ईयर ओल्ड डॉटर, है ना, और बाद में तो सरकार समझ ही जाएगी जो किस सिचुएशन में मैंने रिजाइन कर दिया, तो बाद में आई एम क्वाइट श्योर दैट यू नो सरकार फिर से मुझे एज अ आईएएस ऑफिसर के पोस्ट में रख देगी, क्योंकि यार ऐसा करेजियस बंदा कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब उतना मत लिखना जो ऐसा करेजियस बंदा कभी नहीं कहीं पे नहीं मिलेगा, वो अपना मुँह मियाँ मिट्ठू होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा चलता है बट यू नो इतना ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि ब्रेवनेस आप में,
ठीक है, तो ऐसे अगर आंसर लिखोगे तो आपको मैंने कंटेंट दे दिया, मेन कंटेंट, इससे अच्छा कंटेंट गारंटेड कहीं पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ये अगर बिल्कुल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।